सात और शुक्रवार सुबह झमझमाकर बारिश हुई। बारिश के चलते जहरीली हवा में सुधार देखने को मिला। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI दर्ज किया गया, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही कम पाया गया। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI लेवल 175, सेंट्रल दिल्ली में 109, नई दिल्ली में 93, लोधी रोड में 159 और गुरुग्राम में 78 AQI लेवल दर्ज किया गया। वही आपको बता दें कि देर रात और सुबह में हुई बारिश के बाद दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया है। दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण की धुंध छाई हुई थी, वो धुंध अब एकदम से साफ हो गई है। समाचार एजेंसी ANI ने दिल्ली के जिया सराय, मुनी रका और आउटर रिंग रोड का एक वीडियो भी इस वक्त जारी किया गया है, जो कि काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली की आबो हवा में सुधार आया है। जो पेड़ पहले धुंध में दिखाई नहीं दे रहे थे, वो अब बारिश के बाद एकदम साफ और हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली का वातावरण भी एकदम साफ हो गया है। खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कृत्रिम बारिश कराने को लेकर के चर्चा कर रही थी। दिल्ली में ये कृत्रिम IIT कानपुर के सहयोग से होनी थी। उसके पहले ही दिल्ली में नेचुरल बारिश हो गई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर के केजरीवाल सरकार ने पहले से कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। इनमें दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल बसें पूरी तरह से उन पर रोक लग गई थी। इसके साथ ही दिल्ली में घरों के निर्माण कार्यों पर भी रोक लग गई थी। वही आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण से मुंबई के लोगों को भी राहत मिली है। बीते कुछ हफ्तों में मुंबई का AQI लेवल बहुत ही खराब स्थिति में था। दो दिनों से बेमौसम बरसात के चलते मुंबई के प्रदूषण में भी गिरावट देखने को मिली है। AQI लेवल भी कम हुआ है और शुक्रवार सुबह मुंबई का AQI लेवल 49 दर्ज किया गया है।